सर, देखा गया है कि इंडिया में जितनी भी विंग्स हैं, चाहे वो आर्मी हो चाहे वो मरीन हो, उनके जितने भी कैडेट्स हैं काफ़ी फिट रहते हैं। सिर्फ पुलिस में ऐसा देखा गया है कि जितने भी आप लोग के कैडेट्स हैं, अराउंड 95% के आसपास सबके पेट निकले रहते हैं, सब काफ़ी बल्की होते हैं। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग अपनी फिटनेस पे ध्यान क्यों नहीं रखते सर? देखिए, पुलिस को लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, फिटनेस को लेके मोटा गेंडा ठुल्ला तक कहते हैं, और करप्शन को लेके गालियां भी देते हैं। जबकि पुलिस हर रोज 12 घंटे काम करती है, ना कोई रविवार और ना ही कोई छुट्टी। और जिस दिन कोई राष्ट्रीय पर्व होता है, उस दिन वो सुबह 4 बजे जगकर अपनी वर्दी दुरुस्त करता है, जूते बेल्ट चमकाता है और जनता के सामने एक आदर्श बनने की कोशिश करता है। भाई साहब, कभी इनकी वर्दी उतरवा के देख लिएगा, 10 में से 4 की बनियानों में छेद होंगे और मोजे से अंगूठा बाहर निकला होगा। कोई भी सरकारी विभाग, रविवार 52, द्वितीय शनिवार 12 और सरकारी छुट्टियां 36, कुल मिला के 1 साल में 100 छुट्टियां। भाई साहब, पुलिस वाला भी एक सरकारी कर्मचारी ही है और उसको सैलरी भी एक सरकारी कर्मचारी जितनी ही मिलती है, फिर इन 100 दिनों में एक भी दिन उसे क्यों नहीं मिलता? विभिन्न श्रम एक्ट और फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से पूरे सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता, या एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 9 घंटे। जबकि पुलिस वाला हर दिन 12 घंटे काम करता है और सप्ताह में 84 घंटे। एक दिहाड़ी करने वाले मजदूर से भी बदतर हालत है इनकी, और जब कहीं दंगा फसाद हो जाए तो ड्यूटी कब खत्म होगी कुछ पता नहीं। भाई साहब, इनकी भी बीवी है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है, एक सामान्य नागरिक की तरह। जरा सोचिए, एक पुलिस वाले को अपने बच्चे की फीस भरनी है और उसकी दिन की ड्यूटी है, वो कब भरेगा? पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो कोई भी त्योहार अपने घर पे नहीं मना पाता। क्यों? क्योंकि अगर वो सड़क पे खड़ा नहीं होगा तो कोई भी त्योहार बिना फसाद के पूरा ही नहीं होगा। पूरी जिंदगी निकल जाती है ये ख्वाहिश लिए कि कभी अपने बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग को अटेंड कर सके। पूरे देश में जाके देखिए, 24% से भी कम लोगों को सरकारी आवास मिला है, और जिन लोगों को मिला है वो भी एक कमरे का। अब जरा सोचिए, कैसे एडजस्ट करते होंगे अपने माता पिता को लेकर, अपने बीवी बच्चों को इसी कमरे, और जो कमरे हैं उनकी हालत ऐसी कि छत कब गिर जाए कुछ पता नहीं, न साफ पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की, ना बिजली की। और हाँ, जो लोग बैरक में रहते हैं उनकी हालत तो और भी बदतर। पुलिस लाइन में सुबह 4 बजे शौचालय के लिए लाइन लगती है ताकि टाइम से फारिग हो जाए, शेविंग भी करनी है, लाइन में लग के नहाना है और लाइन में ही लग के मेस में खाना भी खाना है, क्योंकि ड्यूटी सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, और अगर वहाँ 5 मिनट भी लेट पहुँचे तो आपकी गैर हाजिरी लग जाएगी। पूरे दिन उपेक्षा, अधिकारियों और पावरफुल लोगों की डांट, बात बात पर वर्दी उतरवाने की धमकी के तनाव को लेकर जब रात में 9 बजे वो घर पहुँचता है ना, तो उसके जहन में सिर्फ एक ही बात रहती है कि कल सुबह फिर उठना है, फिर शौचालय के बाहर लाइन लगा दी। भाई साहब, मैंने इनकी जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, या यूं कहिए कि मैंने इनकी जिंदगी को जिया है। 40 तक पहुंचते पहुंचते शायद ही कोई पुलिस वाला पूरी तरह से स्वस्थ होगा, और 45 तक आते आते अनेकों बीमारियां इनको घेर लेती हैं। लेकिन सभी के बीवी हैं, बच्चे हैं, जिंदगी है तो काटनी है, कटी जाएगी।